मूल निवासी आप ही हो, आप ही का शहर, आपका जिला। और मेरा बाप 1952 में हरियाणा से यहाँ आके जो लोटा थाली लेके आया था। आज 18 सितंबर को आदिवासी समाज के गौरव महाराजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित संध्याजी गोष्ठी अवसर पे पधारे समस्त सम्मानित अतिथिगण व आदिवासी क्षेत्र से आए हुए मेरे भाई बहन सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं भाषण देने नहीं आया हूं। इस जिले में हम जहां तक थोड़ा बहुत जानते हैं 6 लाख आदिवासी हैं। एक सिपाही गांव में जाएगा, 2 ठो लड़कों को जो घूम रहे हैं उनको पकड़ेगा, ले जाके बैठा लेगा थाने पे, कहेगा बकरी चुरा ले रहा है। उनके घर वाले दौड़ेंगे, 5,000 लिया, 2,000 लिया साहब। उस साहब है फर्जी ढंग से लेके सिपाही ले गया और वो गरीब आदमी साहब छोड़ दे 2,000 लिया। आप क्यों प्रमुख बनाते हैं, आप क्यों प्रधान बनाते हैं, आप क्यों जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, क्यों आप जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं, क्यों BDC बनाते हैं, क्यों विधायक बनाते हैं, क्यों सांसद बनाते हैं? ये सब किस लिए बने हैं? चेक काटने के लिए बने हैं? ये इसी व्यवस्था के लिए बने हैं? जगाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। दोस्तों, बातें बहुत सी हैं, समय कम है। हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर जी और तमाम लोग बैठे हुए हैं और मैं कमिश्नर साहब से, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ गलत शब्द मेरे मुंह से निकला हो तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि दिल में दर्द बहुत है। क्यों, मैं देख रहा हूं अभी मूल निवासी की बात है। मूल निवासी आप ही हो, आप ही का शहर, आपका जिला। और मेरा बाप 1952 में हरियाणा से यहां आके जो लोटा थाली लेके आया था, आज मैं अरबपति हूं। वो आया था कमाने, यहां आया 100 रुपए का गल्ला खरीदा, इससे आपसे 50 रुपए का प्याज खरीदा, किससे आपसे 700 लिया, आपसे पिराया, उसने तेल बनाया और बेचा, खरीदा किससे आपसे, बेचा किसको, आपको। आज हम राजा और आप वही के हूं। ये सब व्यवस्था आपकी है, आप भी कर सकते हो। आरक्षण की बात मत करो, सरकारी नौकरी की बात मत करो, काम की बात करो, अधिकार की बात करो। जो काम हम हरियाणा से आगे यहां कर रहे हैं, आज देख लीजिए पूरा व्यापार जनपद सोनभद्र का सब बाहरी है। कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई उड़ीसा से,
कोई अन्य जिलों से आके काम कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। आप कहेंगे पैसा, मैंने कहा ना मेरा बाप 100 रुपया भी नहीं लेके आया था। तो आपको पार्टी की बात करनी है, आपको राजा बनाना है, ये आप मत भूलिए। आपको चुनना होगा, आपको समझना होगा और आपको शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा। आपका जिसको आप विधायक बना रहे हो, जिसको आप राजा बना रहे हो, एक विधायक जी कहे कि 2 करोड़ का हमारा, तो भाई 2 करोड़ तो मिलता है साल में। 200 गांव हमारे विधानसभा में, के दी का बनाई। 2 करोड़ का तुमको बजट दिया गया है, तुमको इसीलिए विधायक बनाया गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे एक दोस्त बरहज के विधायक राम प्रसाद जी हैं, अपनी विधानसभा में 600 करोड़ रुपया शासन से ले गए। तुम कहते हो 100 हैंडपंप, उसने 2000 हैंडपंप लगवाए। अरे शासन सत्ता सारी व्यवस्था है, तुम गांव की तरफ जाओगे तो तब न समझ में आएगा। प्रधान से मिलो, गांव के लोगों से मिलो, गांव की समस्या देखो। 5 साल तुमको दिया गया है, वोट लेने के बाद कई बार आता है नेता आपके घर, आपके गांव में, उसके हर जगह चमचे बन जाते हैं, वही काम कराते हैं। वो कोई गांव की समस्या न देखना, न जानना, न प्रस्ताव बनाना। प्रस्ताव बनाओ, आप हर जगह के मेंबर, आप जाओ शासन प्रशासन से लाओ पैसा, काम करो। मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, साल भर तो समझने में लगा, फिर मैं गया शासन में, प्रमुख सचिव से मिला, कहे मंत्री जी को फोन किए, भाई हमारे मित्र हैं, जरा भाई सब तो इन्हीं लोगों को करना है ना, पूरी सरकार इन्हीं को चलानी है, ये भारत देश ही इन लोग चला रहे हैं, तो नेता तो केवल बस। प्रमुख सचिव से आपसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई सोनभद्र कोई प्रस्ताव नहीं है, क्या होगा। नगर पालिका का 1 करोड़ 30 लाख का बजट था, मैं लगभग लगभग 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना के डीएम साहब के यहां जब प्रस्ताव जाता था, क्योंकि डीएम के माध्यम से जाता, डीएम साहब का क्या यार तुम रोज प्रस्ताव लेके आ जाते हो, कहां पैसा इतना मिलेगा। अरे हमने कहा सर हमने प्रस्ताव करा, इसको शासन में भेज दीजिए। 3 साल लगा, लेकिन 80 करोड़ रुपया इसी नगर को मिला। जहां 1 करोड़ रुपया सालाना आता था, वहां 80 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको जागना होगा और जगाना होगा। मैं भी समाज की सेवा करना चाहता हूं, और जहां तक सहयोग की बात है तो मेरे दोस्तों, मेरे आदिवासी साथियों, मैं 24 घंटा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बातें बहुत है, मैं अपनी इसी बातों के साथ अपना बात समाप्त करता हूं, और मुझसे कोई गलती या कोई गलत शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो सभी भाइयों से मैं क्षमा प्रार्थनी हूं। जय हिंद, जय सत्य।